नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों पिछले 3 दिनों से हम आपके लिए कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सके क्योंकि हमने अपना घर शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से आज हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज नज़र आ रहा होगा क्योंकि अभी सामान सेट नहीं हुआ है, स्टूडियो भी लगा नहीं है, तो इसलिए हम वीडियो छत पर आके बना रहे हैं। तो आज हमें जो शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट मिली है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा ये खबर आपको बता दें। हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि त्रिवंश सिंह जी ने कोर्ट में एक केस डाल रखा है ईपीएफ को लेके, और कई सारे केसेस थे जिसमें से एक केस तो खारिज हुआ था, लेकिन 13,288 वाला केस जो है वो चल रहा था जिसमें सारे केस कनेक्ट हुए थे और जिसकी सुनवाई भी हुई थी। 11 अप्रैल को उस केस की सुनवाई थी कि क्या शिक्षा मित्रों को ईपीएफ का लाभ देना चाहिए और सरकार ईपीएफ का लाभ शिक्षा मित्रों को या संविदा कर्मियों को क्यों नहीं दे रही है। हमने वीडियो में आपको बताया था कि ईपीएफओ का जो काउंटर है कोर्ट में वो सकारात्मक लगा है, और 11 अप्रैल को सरकार का काउंटर लगना था, लेकिन हम 11 तारीख से अभी तक कोई आपको अपडेट नहीं दे पाए थे। तो आज उसी केस की पूरी जानकारी दे रहे हैं हम और बताते हैं कि उस कोर्ट केस में काउंटर में क्या लगाया गया है। ईपीएफओ की तरफ से जो काउंटर लगाया गया उसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार 2019 से शिक्षा मित्रों को ईपीएफ का लाभ दे रही है। संविदा कर्मियों को अगर ईपीएफ का लाभ मिल रहा है तो वो धरातल पर कहाँ है? ये त्रिभुवन सिंह जी का सबसे बड़ा सवाल है कि जब काउंटर में ईपीएफओ वाले ये कह रहे हैं कि 2019 से राज्य सरकार इनको ये लाभ दे रही है, तो वो लाभ धरातल पर क्यों नज़र नहीं आ रहा है? 11 अप्रैल को सरकार का काउंटर इसमें नहीं लगा है, सरकार 11 अप्रैल को अपना काउंटर नहीं लगा सकी, इसलिए अब इसकी डेट 23 मई रख दी गई है। 23 मई को इस केस की अब अगली सुनवाई होगी जिसमें राज्य सरकार को अपना काउंटर दाखिल करना ही होगा, फिक्स डेट उन्होंने लगा दी है। तो 23 मई तक अब आपको इंतजार करना होगा ये जवाब पाने के लिए कि आखिर ईपीएफओ का लाभ शिक्षा मित्रों का कहाँ गया है। तो ये थी त्रिभुवन सिंह जी की पूरी जानकारी जो उन्होंने हमें दी, और अब हम थोड़ा कंफ्यूज इस बात को लेके हैं क्योंकि त्रिभुवन सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के, जिसमें उन्होंने संदेश में लिखा है कि हमें आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है इस केस को लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के ही प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के द्वारा कि आप शिक्षा मित्रों को लाभ दिलाने के लिए कोर्ट में जाएं। लेकिन वहीं आज एक ऑडियो हमें मिला कौशल कुमार जी का, जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ यानी हम बार बार ये कह रहे हैं इसी संगठन के जो प्रदेश मंत्री हैं उनका ऑडियो मिला, उनके ऑडियो को सुना तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। एक ही संगठन के कुछ पदाधिकारी एक तरफ और एक कुछ पदाधिकारी दूसरी तरफ जा रहे हैं। उस ऑडियो में बस इतनी सी बात थी, ऑडियो काफ़ी बड़ा था, 5 मिनट की थी, लेकिन जो मेन बात उनको कहनी थी कौशल कुमार जी को ये कहनी थी कि सरकार से अगर कुछ पाना है तो उससे विनती करनी होगी। सरकार और कोर्ट को कभी भी एक साथ लेके नहीं चला जा सकता है। अगर आप कोर्ट जा रहे हैं सरकार के अगेंस्ट तो सरकार से पाने की उम्मीद छोड़ दीजिए और कोर्ट के आदेश के आने का और उसको पालन कराने का प्रयास कराते रहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 सालों में कोर्ट के आदेशों को सरकार कितनी तरीके से अपनाती है और कितने उसको लागू करती है आप भली भांति जानते हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर हमें सरकार से कुछ पाना है तो सरकार से विनती कर लीजिए। अगर यही काम वो जाके सरकार के पास जाके यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके कहते कि शिक्षा मित्रों को उनके ईपीएफ का लाभ दे दीजिए, तो शायद बहुत प्रयास करने के बाद सरकार इसको तुरंत लागू कर देगी। लेकिन कोर्ट की एक लंबी लड़ाई, फिर कोर्ट का आदेश पूर्वी पक्ष में आया या नहीं आया, फिर उसको सरकार से पालन कराना नहीं करती है तो फिर रिमाइंडर, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई सालें गुजर जाती हैं। तो उनका बस यही कहना था कौशल कुमार जी का कि यही काम अगर सरकार की तरफ से आके करते तो शायद लाभ जल्दी मिल सकता था। तो एक ही संगठन के 2 अधिकारी एक कह रहे हैं कि सरकार के अगेंस्ट कोर्ट मत जाइए, दूसरे कह रहे हैं कि मैं कोर्ट से ही शिक्षा मित्रों का हक उनको दिला के रहूँगा। तो
कौशल कुमार सिंह जी का संदेश हमने आपको बता दिया, त्रिवंश सिंह जी का संदेश हमने आपको बता दिया, तो बस आपको कमेंट करके हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सही है। क्या शिक्षा मित्रों को कोर्ट में जाना चाहिए, क्या शिक्षा मित्रों को सरकार के पास जाना चाहिए इस EPF के लाभ के लिए। उन्होंने त्रिवंश सिंह के इस प्रयास की सराहना की है कि वो शिक्षा मित्रों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में जाके लड़ रहे हैं। उनको कोर्ट का रास्ता नहीं बल्कि सरकार की तरफ बढ़ना चाहिए था और CPF का लाभ शिक्षा मित्रों को दिलाना चाहिए था। 2019 से शिक्षा मित्रों को लाभ अगर मिल रहा है, अगर वो नहीं है, तो ये सवाल कोर्ट से ना करके उन्हें सरकार से करना चाहिए था। ये सब बातें वो कर रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। बाकी शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके मैसेज पर आइकन आ जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। हम अगली वीडियो में शिक्षा मित्रों से जुड़ी अपडेट लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।